कि क्या हो गया अम्बिलिकल विड्थ, और इसको ये अम्बिलिकल विड्थ हो गई, और इस लाइन को बोलेंगे हम अम्बिलिकल सीम। तो ये अलग अलग उसमें आपको अलग अलग मिलेगी, जितना ज्यादा परसेंटेज कवरेज का होगा उतनी छोटी आपको अम्बिलिकल विड्थ मिलेगी, और अम्बिलिकल सीम जो है अम्बिलिकस के पास धीरे धीरे खिसकती जाएगी। ठीक है, ये कल लास्ट वाला है, आई होप अदर पीपल हैव ज्वाइंड। नाउ वी आर गोइंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन सेफेलोपोडा, बिकॉज इन व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रोपोडा एंड सेफेलोपोडा, यू मे बी रिमेम्बरिंग, गैस्ट्रोपोड्स हैव नो चैम्बर्स इनसाइड द शेल, शेल इज ए क्वाइल बट इट इज ओपन। इफ यू पुश ए वायर है ना फ्रॉम द अपर्चर, इट विल टेक ए टर्न एंड इफ यू ब्रेक द अपेक्स इट विल कम आउट। सो यू कैन से दैट देयर इज नो चैम्बर, नो पार्टीशन, नो वॉल। भाई माइक बंद करिए अपना, जब मैं पूछूंगा तभी खोल रहा है सौरभ। ओके, और जबकि इसमें क्या है सेफेलोपोडा में, इसमें एनिमल्स ने हर बार वो चैम्बर बना रहा है, जैसे उसका नया एनिमल बड़ा होता है, साइज बड़ी होती है, वो नया चैम्बर बनाता है। इस तरीके से वो आगे की तरफ मूव करता है और पेरिफेरी के अलोंग मटेरियल ऐड होता जाता है। तो ये जो लाइंस हैं इनको बोलते हैं वॉल, या बायोलॉजी में बोलते हैं सेप्टा, सेप्टा मतलब पार्टीशन, और जो दो सेप्टा के बीच का स्पेस है उसको या तो बोलते हैं कैमरा, मैंने आपको बताया था कैमरा मतलब स्पेस, जैसे कैमरा होता था पहले वो वाला, और दूसरा उसको बोलते हैं चैम्बर। तो दो चीजें हो गई, एक तो आपका हो गया चैम्बर और दूसरी हो गई सेप्टा, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि जैसे इस डायग्राम में ये जो स्पेस है ये चैम्बर है, ये वाला स्पेस चैम्बर है, और ये जो लाइंस हैं ये सेप्टा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एस और यहाँ मैं लिख देता हूँ सी। तो ऐसे यहाँ आप देख रहे हैं कि ये चैम्बर है, ये ओपन जो है, ये अंदर की तरफ जो स्पेस है ये चैम्बर है, ये चैम्बर है, ये चैम्बर्स हैं, और बाकी के जो लाइंस दिख रही हैं वो सेप्टा हैं। ठीक है, अब ये सेप्टा आप देख रहे हैं कई तरीके के हैं। अब यही हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें सेफेलोपोडा में, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन में यूज हुई है, क्योंकि ये जो सेप्टा है इसमें वेरिएशन है, और वो वेरिएशन जेनेटिक वेरिएशन है, एनिमल अपने आप बदल नहीं सकता है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। तो इसको हम बोलते हैं बॉडी चैम्बर, जो आपकी जो बॉडी चैम्बर है लास्ट वाला, ड्यूरिंग द सिक्रीशन लीव डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ इट्स एज, दैट इज कॉल्ड सूचर। ओके, है ना, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड चैम्बरल सूचर। क्यों? क्योंकि दो चैम्बर्स के बीच में है, इसको मैं बाद में रेफर करूंगा। दे आर पार्टीशन बिटवीन चैम्बर्स एंड मे और मे नॉट बी विजिबल। वेन दे विल बी विजिबल, इफ देर इज नो ऑर्नामेंटेशन दे विल बी विजिबल, इफ देर इज एनेमल और पेंट और ऑर्नामेंटेशन दे विल नॉट बी विजिबल। सो दे मे और मे नॉट बी विजिबल ऑन दी एक्सटर्नल सरफेस। तो जो फॉसिल सेफेलोपोड है वो सूचर्स उनमें जनरली प्रिजर्व होते हैं, कब? जब उसके इंटरनल मोल्ड मिलते हैं। इंटरनल मोल्ड मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, और जिसमें कि इंटरनल मोल्ड में क्या होता, आउटर शेल जो उसकी है वो गल गई है। जैसे मान लीजिए इस डायग्राम को लें और इस पार्ट में आप देखें कि यहाँ की आउटर शेल यहाँ की गल गई, इतने हिस्से की, इतने हिस्से की आउटर शेल गल गई है, तो आपको यहाँ सूचर दिख रहा है, बाकी जगह की नहीं है तो वहाँ क्लियर नहीं दिख रही। इसी तरीके से मैं आपको दूसरी जगह डायग्राम में जो मैंने पहले दिखाए हैं उसमें मैं ले जाता हूँ। देखिए इसमें आपको कलर तो दिख रहा है लेकिन सूचर लाइंस नहीं दिख रही, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एनेमल है, जबकि अंदर इसको सेक्शन काटते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो है ये चैम्बर्स हैं, ये बॉडी चैम्बर है लास्ट वाला, ये चैम्बर है, और ये जो व्हाइट कलर की लाइन है कर्व, ये लाइन जो है ये सेप्टा है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, दो चैम्बर के बीच में। अच्छा, वापस आए, अब उसी एक और लाइन होती, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन दी वर्ल इज कॉल्ड स्पाइरल सूचर्स। जो वर्ल के बीच की, जैसे ये लाइन मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन ये वर्ल के बीच की लाइन है ना, इसको हम बोलेंगे स्पाइरल सूचर। जनरली इसको स्पायर कह देते हैं, सूचर नहीं कहते, स्पायर कह देते हैं, ताकि सूचर और स्पायर, तो हमको यूज करना है चैम्बर सूचर वर्ड, जब वो चैम्बर के बीच में हो तब हमको सूचर करना है, कुछ किताबों में लेकिन दिया हुआ है इसलिए मैंने आपको दोनों बता दी। इनका उपयोग क्या है, व्हाई दे आर यूजफुल, दे आर यूजफुल इन टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे करना है सेफेलोपोडा का, अलग अलग
ऑर्डर्स में बांटना है, सब ऑर्डर में बांटना है, तो उसमें यूज है. पर्टिकुलर टाइप ऑफ सूचर कैरेक्टराइज डिस्टिंक्ट अमोनाइट फैमिलीज. देर आर सो मेनी अमोनाइट फैमिलीज एंड ईच अमोनाइट फैमिली हैज ए टिपिकल काइंड ऑफ अमोनाइटिक सूचर. ऑन द बेसिस ऑफ दिस सूचर दिस हैव बीन क्लासिफाइड. इट इज नॉट प्रिजर्व्ड इन द ऑर्नामेंटेड इन ऑर्नामेंटेड शेल एंड देयर आइडेंटिफिकेशन इज डिफिकल्ट. इफ इट इज नॉट प्रिजर्व मीन्स ऊपर से एनामेल है या ऑर्नामेंटेशन है. तो इस डायग्राम में मुख्य जो बात बताई गई है, एक तो ये बताया गया कि सूचर चैम्बर्स के बीच की वॉल है जिसको सेप्टा कहते हैं, दो चैम्बर के बीच में होती है. इसका एक्सटर्नल इंप्रेशन जो होता है वॉल का उसको बोलते हैं हम सूचर. अब ये सूचर दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि शेल इनेमल्ड है या ऑर्नामेंटेड है. यदि इनेमल्ड ऑर्नामेंटेड शेल है तो सूचर आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगा. और यदि इसका फर्सलाइजेशन होने के दौरान कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाता है, इंटरनल मोल्ड मिलता है जैसा कि मैंने आपको बताया है टाइप ऑफ फॉसिल में, तो आपको इसका क्लियरली दिखाई देगा. अब यहाँ इस डायग्राम में ये बस देख लीजिए कि अलग अलग तरीके की लाइन है. कुछ सिंपल लाइन है, कुछ जिगजैग लाइन है, कुछ ऐसी कर्व लाइन है, कुछ इरेगुलर लाइन है. अब ये लाइन्स क्या है इनके बारे में हम आगे बताएंगे. इज दैट क्लियर सौरभ, इज इट विजिबल? यस सर. समझ में आ गई बात? एनी क्वेश्चन? ओके. नाउ टैक्सोनॉमी में जैसे मैंने आपको बताया कि सूचर का उपयोग होता है, तो पहले हमने क्या किया है, क्लास सेफेलोपोडा को तीन ऑर्डर में बांटा है. एक का नाम है ऑर्डर नॉटिलाइडिया. जाहिर है कि इसमें नॉटिलस आएगा, नॉटिलाइडिया. दूसरे का नाम है अमोनाइडिया और तीसरे का नाम है डाइब्रेंकिया. उस दिन मैंने आपको बता रहा था मैं, तो नॉटिलाइडिया और अमोनाइडिया में चार गिल्स होती हैं या दो पेयर होते हैं, है ना, दोनों में से कोई एक चीज. टेट्रा है इसलिए आपको चार गिल को याद रखना चाहिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा. चार गिल हैं तो हमने इसको बोला टेट्रा मींस फोर, यहाँ लिख देते हैं फोर, और ब्रेकिया मींस ब्रेंकियॉन. तो फोर ब्रेंकियॉन होंगी. तो उसको पहले पुराने क्लासिफिकेशन में नॉटिलाइडिया और अमोनाइडिया को रखा, लेकिन चूंकि फॉसिल में ब्रेंकियॉन गल जाती है, मिलती नहीं है, इसीलिए हमने उनको सूचर के बेसिस पे क्लासिफाई किया कि एक में नॉटिलाइडिया, एक में एक डिफरेंट टाइप का सूचर है, अमोनिटिक सूचर है, तो अमोनाइडिया. तीसरा ऑर्डर हमने बनाया डाइब्रेंकिया. अब ये डाइब्रेंकिया क्या है, डाइब्रेंकिया में दो गिल्स होती है, मतलब एक पेयर होता है, इसीलिए इसको हमने डाइब्रेंकिया किया. डाई मीन्स टू, ब्रेंकिया मीन्स ब्रेंकियॉन. तो ओनली टू गिल्स और वन पेयर इज प्रेजेंट, सो दिस विल बी कॉल्ड एज डाइब्रेंकिया. So I hope that it is now clear why it is tetrabranchia and why it is dibranchia. But the branchions are not preserved, so we cannot use the classification on the basis of branchion. We have to use classification on the basis of suture. So this is the importance of suture, because we are looking the fossil form and we are, most of them are extinct. Only Nautilus or Nautilidia is present. So we have to recognize them in fossil form, where we are not going to get any gill. So we have removed that part. अब आप कह सकते हैं नॉटिलाइडिया जो है वो है जिसमें कि सिंपल और स्लाइटली कर्व्ड सूचर मिले, इसको हम कहेंगे नॉटिलाइडिया. जैसे कि इसमें आपको दिखाया, ये देखिए सिंपल है, सिंपल स्लाइटली कर्व, ज्यादा कर्वेचर नहीं है, सिंपल सूचर है. और अमोनाइडिया उसको कहेंगे जिसमें एसेंशियली कॉम्प्लिकेटेड सूचर मिलेंगे. एक्सटेंट की स्पेलिंग में आई है ना, कुछ रह गया गलत, ठीक है. तो एसेंशियली कॉम्प्लिकेटेड कौन से होंगे, देखिए ये एक कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न है, ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न. तो जब कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न होंगे तो हम उसको किसमें रख देंगे, अमोनाइडिया में. अब अमोनाइडिया में रख तो देंगे, लेकिन अमोनाइडिया में भी तीन तरीके के सूचर हैं. जैसे एक मैंने आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो डायग्राम है इसमें देखिए, ये गोनियाटिटिक सूचर है, ऐसा जिग जैक है, जेड जैसा है, जैसे जेड बनाते हैं आप, इस तरीके से ये सूचर है. और सेराटिटिक है, सिकल शेप्ड है, ऊपर से ऐसा गोल है और फिर नीचे इरेगुलरिटी है, फिर गोल है, तो ये सेराटिटिक सूचर है. और ये अमोनेटिक टिपिकल इरेगुलर सूचर, अमोनेटिक सूचर है. तो इन तीन के यदि ये तीन सूचर मिलते हैं तो हम उसको रखते हैं किसमें, अमोनाइडिया में. और सिंपल सूचर मिलता है तो हम उसको रखते हैं नॉटिलाइडिया में. और डाइब्रेंकिया में हम कब रखते हैं, डाइब्रेंकिया में कुछ लिविंग एनिमल है, एक जिसमें जिसको कहते हैं आप ऑक्टोपोडा. ऑक्टोपोडा मींस, ऑक्टापोडा मींस एट, ऑक्टा मींस एट.
पोडा मीन्स पोडस, फीट, तो 8 आर्म्स जिसमें हो उसको हम बोलते हैं ऑक्टोपोडा। और इसमें शेल नहीं मिलती तो इसको बोलेंगे शेल मिसिंग, और शेल और एनिमल इज विदाउट शेल, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऑक्टोपस आपने सबने देखा है, नहीं देखा है तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके ऑक्टोपस डालिए या डिस्कवरी पे डालिए तो आपको बहुत सारी फिल्म मिल जाएंगी ऑक्टोपस से रिलेटेड। वो बिना शेल का, बिना हड्डी का, बिना किसी स्केलेटन का एनिमल है। दूसरा है डेकापोडा। तो डेका का मतलब क्या होता है? फ्रॉम डेका हेड्रन, है ना, डेका का मतलब होता है 10, पोडस का मतलब होता है फीट। तो ऐसा एनिमल जिसमें 10 फीट हो उसको हम बोलेंगे 10 आर्म्स। ये एनिमल एक्सटिंक्ट है, दिस एनिमल इज एक्सटिंक्ट, बट इट अकर्स एज फॉसिल एंड सम ऑफ देम आर वेरी गुड इंडेक्स फॉसिल। इंडेक्स फॉसिल बोले तो इसका मतलब हुआ हाई वाइड डिस्ट्रीब्यूशन एंड शॉर्ट जियोलॉजिकल रेंज। तो इसमें क्या होता है, इंटरनल शेल मिलती है। तो हमने शेल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन बनाया। आर्म्स तो हमारे को, हम मालूम है कि आर्म्स तो गल जाएंगी, इसलिए आर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं बनाया, हमने बनाया शेल के। इंटरनल शेल होगी तो हम उसको रखेंगे डेकापोडा में, और यदि सिर्फ इंप्रेशन मिल रहा है एनिमल का, शेल का पार्ट नहीं मिल रहा है, तो हम ऑक्टोपोडा में रखेंगे, और ये लिविंग है और ये सिर्फ इंप्रेशन छोड़ेगा। और ये तो आप इस तरीके से इस पेज को समराइज कर सकते हैं कि क्लास सेफेलोपोडा को 3 ऑर्डर में बांटा गया, नोटिलाइडिया, अमोनाइडिया, डाइब्रेंकिया। डाइब्रेंकिया मीन एक पेयर ब्रेंकियन का है, और पुराने क्लासिफिकेशन में नोटिलाइडिया और अमोनाइडिया को किस में रखा गया था, टेट्राब्रेंकिया, क्योंकि उसमें 2 पेयर ऑफ थे। लेकिन गिल्स चूंकि मिलती नहीं है इसलिए इस क्लासिफिकेशन को हटा दिया गया, अमोनाइडिया नोटिलाइडिया सॉरी नोटिलाइडिया अमोनाइडिया और डाइब्रेंकिया रखा। नोटिलाइडिया में सिंपल या स्लाइटली कर्व सूचर मिलेंगे आपको, जैसा मैंने आपको दिखाया है, आगे भी दिखाऊंगा। अमोनाइडिया में एसेंशियली कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न मिलेंगे। अमोनाइडिया के सारे फॉर्म एक्सटेंट हैं, इनमें से कोई प्रेजेंट नहीं है। डाइब्रेंकिया 2 गिल्स वाला है, इसमें 2 कंडीशन है, या तो शेल मिसिंग होगी या इंटरनल होगी। जो शेल मिसिंग है उसमें 8 आर्म्स हैं, उनके इंप्रेशन हमको मिलते हैं, तो इसको हमने कह दिया ऑक्टोपोडा, इसका एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। और इसको हमने कह दिया डेकापोडा, इसका एग्जाम्पल है बेलेमनाइटिस, BELEM, मैं लिखना चाह रहा था यहाँ जगह नहीं बची थी, MITES, बेलेमनाइटिस, BELEMI सॉरी इसको ऐसा नहीं लिखिए आप, BELEMN रह गया था उसमें, NITES। कर्सर से लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, आई एम सॉरी, कर्सर चलाता हूँ मैं तो उससे बहुत दिक्कत होती है लिखने में, मेरी राइटिंग यहाँ ठीक से नहीं आएगी, बट आई कैन नॉट हेल्प इट। बेलेमनाइटिस इसका एग्जाम्पल है। इज देर एनी क्वेश्चन सौरभ इन दिस पार्ट? नो सर। ओके, अब देखिए सूचर्स की बात फिर से होगी, क्योंकि अब इसको हमको बहुत डिटेल में समझना है। बाकी की बात तो मैं नहीं बताऊंगा कि ये बॉडी चैम्बर के बीच के पार्टीशंस हैं। सिर्फ इस डायग्राम में आप यहाँ पर दोबारा देखें कि जो सिंपल सूचर हैं इनको नोटोलाइट बोला गया, और 3 तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड सूचर हैं इनको हमने रखा एमोनाइडिया में, और इसमें है एक जिगजैग पैटर्न गोनियाटिटिक बोला, दूसरा सिकल शेप पैटर्न सेराटिटिक बोला, तीसरा बोला मैंने अमोनेटिक। अब यदि शेल ऑर्नामेंटेड है तो आपको सूचर्स दिखते नहीं है, तो जिस पार्ट में आपको सूचर देखना है उसमें शेल के मटेरियल को थोड़ा सा हटा दिया जाता है ना, यदि फॉसिल मिल रहा है उसमें से स्क्रैच कर दिया जाता है, तो हमको ये देखिए ये पैटर्न मिलता है। और ये पैटर्न कैसा है, रेगुलर है, मतलब ये कौन सा पैटर्न हुआ, अमोनेटिक पैटर्न हुआ। इस तरीके से हम सूचर को देखते हैं, तो सूचर आपको होते हुए भी हर बार दिखना जरूरी नहीं है, ये तभी दिखेगा जब इंटरनल मोल्ड होगा। अब देखिए ये टाइप ऑफ सूचर फिर से दिखा रहा हूं मैं, ये सिंपल सूचर है, ये कर्व्ड है ना, तो नोटिलाइडिया ये कैम्ब्रियन से रिसेंट तक मिलता है, मतलब प्रेजेंट डे भी मिल रहा है। एग्जाम्पल है आपका नॉटिलस, NAUTILUS,
नॉटिलस जिसके बारे में मैं बार बार जिक्र करता हूँ। फिर गोनियाटिटिक है, ये डिवोनियन से परमियन तक मिलता है, मतलब इसके फॉसिल मिले तो कहाँ से आएगा, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, सिर्फ तीन पीरियड में है जिसमें इसके फॉसिल मिलते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि अपर पेलियोजोइक का बहुत अच्छा इंडेक्स फॉसिल है गोनियाटिटिक सूचर वाला, जिसका नाम है गोनियाटाइटिस, अभी मैं बताऊंगा। सिराटिटिक सूचर मिलते हैं जैसा कि मैंने बताया सिकल शेड, तो ये लेट परमियन सो ट्रायसिक है, मतलब ये तो परमियन में नीचे भी मिलता है, लेट और मिडिल में भी, मतलब अर्ली मिडिल में मिलता है, लेकिन ये सिर्फ लेट में मिलता है, मतलब अपर मोस्ट पेलियोजोइक एंड ट्रायसिक का फॉसिल है ये, इंडेक्स फॉसिल है। और अमोनेटिक सूचर ये सिर्फ जुरैसिक और क्रिटेशियस में मिलते हैं, मतलब डायनासोर वाला जो काल था जुरैसिक उसमें मिलते हैं, और उसके ऊपर वाला जो क्रिटेशियस है उसमें मिलते हैं, क्रिटेशियस के बाद ये सारे के सारे फॉर्म